नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर म्यूटेबल फिल्म कटिंग मशीन के अंदर अपनी ऑन स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज करते हैं और अपने फ़ोन के बैक में कैसे लगाते हैं। लाइक आपको कोई भी अपना फोटो है उसको कस्टमाइज करके अपने फ़ोन के बैक में कैसे लगाना है, तो वही इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊँगा, आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को, कंप्यूटर को, प्रिंटर को और फिल्म कटिंग मशीन को एक ही वाईफाई या नेटवर्क से कनेक्ट कर देना है, तभी यह प्रोसेस है वो संभव होगी। उसके बाद में आपको अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर यह जो सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी या अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर डोंगल को इंसर्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो भी फोटो अपने फोन के बैक में लगाना है उसका फोटो कैप्चर कर लेना है फोन से। उसके बाद जिस फोन की बैक पर अपना फोटो लगाना है उस फोन के मॉडल को फिल्म कटिंग मशीन में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कस्टमाइज स्क्रीन पे ओके कर देना है। उसके बाद में जो भी QR कोड आए आपके सामने उस मशीन के अंदर, उसको आप अपने फोन के जरिए स्कैन करके जो भी आपने फोटो सेलेक्ट किया था, कैप्चर किया था, उस फोटो को उस QR कोड की मदद से उसको अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद में अपने मॉडल के हिसाब से सेट कर देना है प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट पर टैप कर देना है। उसके बाद में उस कस्टमाइज फोटो को प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट आउट कर देना है और उस प्रिंट किए हुए फोटो को कवर कर देना है, जो कि आप लैमिनेट व्हाइट स्टिकर पेपर की हेल्प ले सकते हो, और एकदम अच्छे से चिपका देना है। और दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, आप लैमिनेट व्हाइट स्टिकर पेपर और जो आपने फोटो प्रिंट आउट किया है उसको जैसे ही आप चिपकाओ तो उसके सेंटर में जो बबल रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। उसके लिए आप रैप एप्लीकेटर की मदद ले सकते हो, जिससे कि आपका लैमिनेट पेपर है वो एकदम से कम्प्लीटली चिपक जाएगा अपने फोटो के साथ में। उसके बाद में दोस्तों, फिल्म कटिंग मशीन में अपनी स्किन रख के अपने फोन के मॉडल को सेलेक्ट करके सिंपली से कट कर देना है। देन आपको क्या करना है, कट की हुई स्किन को अपने फोन के बैक पर रैप एप्लीकेटर की मदद से अच्छे से चिपका देना, और ध्यान रहे उसमें भी बबल नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका जो स्किन है वो एकदम से बेकार लगेगा। तो इस टाइप से आपको म्यूटेबल फिल्म कटिंग मशीन के अंदर अपनी ऑन स्क्रीन को कस्टमाइज करके अपने फोन के बैक में रैप करना है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।